हेलो एवरीवन वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट दिस इज नीलम योर मेंटर फॉर इंग्लिश एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड यूसेज इन अ सेंटेंस सो आइए देखते हैं क्या होता है डायरेक्शन इन ईच ऑफ द्वेश्चन इन थ्री डिफरेंट वेज एक वर्ड तीन अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया गया है चूज द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेंटेंस इन विच द यूसेज ऑफ द वर्ड इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सो so, आपको ऐसा सेंटेंस चूज करना है ऐसे ऑप्शन चूज करना है जिन ऑप्शन में जिन सेंटेंसेस में इस गिवन वर्ड को सही तरीके से यूज किया गया है सो so, आइए देखते हैं जैसे यहां पर यह आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ये जो वर्ड है आपका ये है डस्पॉट हमें यहां पर ये थ्री सेंटेंसेस दिए गए हैं एज पर द डेक्शन सो तो हमें बताना है कि ये जो डस्पॉट वर्ड है इस वर्ड को किस सेंटेंस में ये जो थ्री सेंटेंस है इनमें से किन सेंटेंसेस में बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट तरीके से यूज किया गया है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए सो तो अगर बात करें इस वर्ड के मीनिंग की, so ये होता है इसका मीनिंग ब्रूटल रूलर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग मतलब ऐसा रूलर जो ब्रूटल हो ब्रूटल मतलब कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो बहुत ही ज्यादा हिंसक हो इस तरीके का रूलर जो सारी चीजों को कंट्रोल करता हो सो so हमें चेक करना है कि ये जो वर्ड है गिवन वर्ड इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस में बिल्कुल सही तरीके से यूज किया गया है सो लेट्स चेक गाइस यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे द क्राउड चांटेड क्राउड मतलब जो भीड़ थी चांट किया मतलब दोहराया डाउन विद द डेस्पॉट अब यहाँ पर डेस्पॉट मतलब ऐसा रूलर ऐसा पर्सन जो सारी चीजों को कंट्रोल करता हो एंड वो ऐसा पर्सन जो कैसा हो बहुत ज्यादा क्रूएल हो बहुत ज्यादा हिंसक हो तो so, यहाँ पर ये जो फर्स्ट uh, जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है द क्राउड ने, ने चांट किया किसके साथ डाउन विद द डेस्पॉट डेस्पॉट मतलब ऐसा पर्सन जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है मतलब वो पर्सन कुछ बोल रहा था एंड उसी चीज़ों को क्राउड ने भी कर, uh, uh, ये चांट किया रिपीट किया सो so, यहाँ पर ये जो सेंटेंस uh, है ये बिल्कुल सही जा रहा है मतलब कि ये जो वर्ड है इस सेंटेंस में बिल्कुल सही यूज़ किया गया नेक्स्ट है. uh, देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस सो so, यहाँ पर ये यह बिल्कुल सही है सेकेंड चेक करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज दी डेस्पॉट ऑफ आर प्लेयर्स सो यहाँ पर डेस्पॉट ऑफ आर प्लेयर्स ये बिल्कुल गलत है क्योंकि डेस्पॉट मतलब तो एक ऐसा पर्सन होता है ना जो सारी चीजें कंट्रोल uh, करता है सो so यहाँ पर ये वर्ड बिल्कुल इन इनअप्रोप्रिएटली यूज किया गया ये सेंटेंस एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड का यूज सही तरीके से नहीं किया गया नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द हैज डिसाइडेड टू कंट्रोल ऑल टेलीविजन स्टेशन इन हिज नेशन ये जो डेस्पॉट मतलब जो पर्सन है उसने डिसाइड किया है कि वो सारे टेलीविजन स्टेशन को कंट्रोल करेगा उसके नेशन में जितने भी स्टेशन है सो so बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर उस पर्सन की बात की जा रही है सो so, हमने देखा कि वन एंड थ्री में ये जो डेस्पॉट है वर्ड है ये बिल्कुल कंटेक्सुअली ग्रामेटिकली बिल्कुल सही यूज किया गया है बट सेकेंड वर्ड में ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है सो so, हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोथ वन एंड थ्री सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट चॉइस तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कि हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में एंड अगर बात करें ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्ड यूसेज इन सेंटेंस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस एग्जाम के लिए चाहे वो क्लर्क मेंस हो पीओ मेंस हो सभी मेंस एग्जाम में ये इस तरीके के पैटर्न इस तरीके के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं लास्ट कुछ ईयर्स से सो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुके सो so, यहाँ पर ये यह जो वर्ड है बुके एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस वर्ड बुके बुके तो सभी को पता है बंच ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स का जो बंच होता है फ्लावर्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम बुके कहते हैं एंड यहाँ पर ये यह जो टी होता है ये साइलेंट होता है इसलिए बुकेट नहीं इट्स बुके सो देखिए इस वर्ड का यूज किस सेंटेंस में बिल्कुल सही तरीके से किया गया है

सो so, ये हमारे ऑप्शन में बिल्कुल सही रहेगा नेक्स्ट देखते हैं ही वॉज स्टैंडिंग एट द बुके ऑफ द गार्डन विथ अ बंच ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स यस यहाँ पर अगर देखेंगे बुके ऑफ़ द गार्डन के बुके में या बुके पे मतलब एट द मतलब ये किसी प्लेस की बात की जा रही है एंड ये बुके तो बंच ऑफ फ्लावर्स है ये कोई प्लेस नहीं है सो so, यहाँ पर ये यूज uh, यहाँ पर इस बुके वर्ड का बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है सो so, ये हमारे ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा नेक्स्ट देखते हैं द ब्राइट कैरीड अ बुके ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर्स यस जो ब्राइट थे ब्राइट कलेक्शन मतलब या बंच ऑफ फ्लावर्स तो ये सेंटेंस में भी बिल्कुल सही यूज किया गया है सो so, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री सो so, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस सो नेक्स्ट वर्ड इज कैम्ब्रेडरी एंड आपको बताना है कि इसका सही यूज़ किन सेंटेंसेस में किया गया है तो अगर बात करें इस वर्ड की कैमबरेड रे इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंडशिप मतलब कि किसी से अच्छे रिलेशन होना फ्रेंडली रिलेशन होना फैलोशिप होना इसे हम कहते हैं कैमरेड रे तो हमें देखना है कि यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किया गया है Uh, मतलब इसका यूज uh, कहाँ पर सही तरीके से किया गया है सो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे पाकिस्तान इज नॉट शोइंग आफ्टर शोइंगर रिवोल्यूशन थ्री सेवेंटी सही है कि पाकिस्तान कैमब्रेडरी मतलब फ्रेंडली रिलेशन फ्रेंडशिप या फेलोशिप नहीं शो कर रहा है आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी सो बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से यूज किया गया है नेक्स्ट देखते स्पोक हैथ ईजी कैम्रेडरी And cracked a few charmingly inverent jokes with uh, which the prime minister politely ignored. So सो यहाँ पर ये जो sentence है ये भी बिल्कुल सही है with easy camaraderie मतलब बिल्कुल मतलब friendly तरीके से बात की उन्होंने सो so, ये भी सेंटेंस में बिल्कुल सही यूज किया गया इस वर्ड का नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अंडर द कैमरेड्रे ऑर्डर्स इवन फर्स्ट child चाइल्ड मस्ट सर्व इन मिलिट्री फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव सो कैमरेडरे ऑर्डर्स तो नहीं होता ऑर्डर हमेशा स्ट्रिक्ट होता है बहुत ज्यादा सो so, यहां पर कैमरेड बहुत ज्यादा फ्रेंडली या फ्रेंडशिप या फेलोशिप होता है इसका मीनिंग सो so, यहां पर ये यह बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है कैमरेड्रे वर्ड का यूज सो so, हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन एंड टू दैट इज यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट चॉइस सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो लेट्स चेक गाइस यहाँ पर अगर कर बात करें sagacious word की सो so, sagacious मतलब होता है कि बहुत वाइज इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा नॉलेजेबल जो पर्सन होता है उसे कहते हैं sagacious man sagacious person इस तरीके से कि बहुत ज्यादा वाइज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन का मतलब होता है sagacious तो so, यहाँ पर फर्स्ट अगर सेंटेंस देखेंगे आर सगेशियस वेज विल फाइनली लीड टू आर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब हमारा सगेशियस तरीका जो है उससे हमारा क्या होगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये तो एक नेगेटिव चीज है कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम हमार हम बर्बाद हो रहे हैं तो मतलब ये सगेशियस तरीका तो नहीं हो सकता वाइस तरीके से अगर कोई काम करोगे इंटेलिजेंट तरीके से कोई काम करोगे तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा एंड यहाँ पर ये यह सगेशियस तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर हमें कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए सो यहाँ पर इस सेंटेंस में सगेशियस वर्ड का यूज़ बिल्कुल इनप्रोप्रिएट है बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ किया गया है यहाँ पर कोई नेगेटिव तरीका नेगेटिव वर्ड होना चाहिए क्योंकि यहाँ बात की जा रही है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही है तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए सगेशियस वर्ड का यूज़ बिल्कुल गलत है सेकेंड सेंटेंस देखते हैं the environmentalist gave a sagacious advice of not cutting down the trees at the slightest pretext so yahan par ye bilkul sahi hai ki कोई अगर advice दे रहा है वो sagacious हो सकती है intelligent या wise advice हो सकती है सो so यहाँ पर जो use है ये बिल्कुल सही use है नेक्स्ट सेंटेंस में अगर बात करें द सगेशियस आर्टिकल जो आर्टिकल जो न्यूज पेपर या कोई मैगजीन में आया है वो आर्टिकल कैसा है फुल ऑफ एरर्स एंड डज नॉट बिलोंग इन आर जनरल जर्नल सॉरी सो एरर्स है अगर ये ऐसा आर्टिकल है जिसमें बहुत ज्यादा एरर्स है बहुत ज्यादा गलती है बहुत ज्यादा गलत चीज़ है सो so, वो आर्टिकल कभी भी सगेशियस नहीं हो सकता क्योंकि सगेशियस मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वाइज नॉलेजेबल इस तरीके का वर्ड है ये तो पॉजिटिव वर्ड है एंड यहाँ पर भी कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए था सो so, यहाँ पर भी ये यूज़ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है बिल्कुल गलत है सो so, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर टू मतलब कि सेकंड सेंटेंस में ही इस सगेशियस वर्ड का यूज़ बिल्कुल सही तरीके से किया गया है तो so, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली टू मतलब ओनली ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रैमपेज तो देखिए इस वर्ड का यूज uh, कहां, कहां पर सही हो सकता है तो गाइज अगर यहाँ पर बात करें इस वर्ड के मीनिंग की रैम्पेज तो इसका मतलब होता है रायट या इसका मतलब होता है रेज मतलब कि रायट का हिंदी में अगर कर बात करें तो दंगा फसाद करना या इधर उधर गुस्से में दौड़ना लोगों को मारना या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हिंसा करना उसे कहते हैं रैमपेज तो यहाँ पर चेक करते हैं

किसी किसी को को चाकू चाकू से से जो नाइफ नाइफ होता है ना, नाइफ से किसी को जख्म जख्मी कर देना या खिल कर देना उसे कहते हैं स्टैबिंग सो so, स्टैबिंग रैम्पेज बिल्कुल हो सकता है रैम्पेज मतलब ही होता है गुस्से में दौड़ना भागना इधर उधर दौड़ना बहुत ज्यादा हिंसात्मक आ, बिहेवियर या आचरण उसे हम कहते हैं रैम्पेज तो यहां पर स्टैबिंग रैम्पेज इन सिडनी बिल्कुल सही हो सकता है यहां पर किलिंग की ही बात की जा रही है वाउंडिंग दूसरों को जख्म जख्मी करने की बात की जा रही है सो so यहां पर जो यूज है रैम्पेज का बिल्कुल सही है सेकेंड सेंटेंस देखते हैं दू एन राइट्स चीफ voiced concern about the various rampage in recent past in US yes कि बहुत सारे जो rampage हुए हैं US में उसके बारे में उन्होंने uh, concern जताया बात की तो so यहाँ पर भी बिल्कुल सही तरीके से use किया गया है इस rampage word का next देखते हैं the nation nationwide rampage aims to provide the students हार्मनी yeah, की बात की जा रही है शांति की बात की जा रही है एग्रीमेंट की बात की जा रही है सो so, यहाँ पर ये यह ये जो है बिल्कुल होगा यहां पर रैमपेज की जगह कैंपेन या इस तरीके का कोई वर्ड होता है जो नेशन वाइड किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स uh, को क्या मिले सेंस ऑफ हारमनी मिले सो so, यहाँ पर ये यह जो वर्ड है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा

सो लेट्स चेक गाइस यहाँ पर देखते हैं अब ये एक इसका इसका कई तरीके से यूज किए जाते हैं इस वर्ड के बेयर मतलब टॉलरेट करना या फिर सेम फीचर होना किसी पर्सन के जैसे इस तरीके से सो यहाँ पर एक एक सेंटेंस चेक करते शी बेयर्स अ लाइकनेस टू हर ग्रैंड मदर तो यहाँ पर अगर बात करें इस बेयर वर्ड की इसका मीनिंग यहाँ पर होगा टू हैव एज फीचर

तो so, यहां पर अगर बात करें इस बेयर वर्ड की तो यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा टू uh, एक्सेप्ट या अलाउ करना टू एक्सेप्ट और अलाउ यहां पर जैसे बात करें द सेंटेंस मस्ट बेयर फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ तो uh, उन्होंने पूरी एक्सेप्ट करना चाहिए या अलाउ या एक्सेप्ट करें कि हाँ यस हमने हमारी हम हम मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जित जितने भी इनोसेंट लोगों की डेथ हुई है वो हमारे वजह से ही हुई है या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या अलाउ करना यहाँ पर इस तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया गया है नेक्स्ट इज़ ही वॉज़ बेयरिंग अ ट्रे ऑफ ब्रीमिंग क्लासेज ब्रीमिंग मतलब होता है ओवरफ्लो

एंड यहाँ पर बेयरिंग मतलब कैरी करना तो so, हमने देखा कि बेयर वर्ड का यूज़ अलग अलग तरीकों से यूज uh, मतलब सेंटेंसेस में किया जा सकता है सो so, यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंस है गिवन ये सारे के सारे बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली कंटेक्शुअली सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज ऑल वन टू एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस

तो so, यहाँ पर बिल्कुल सही है कि लंडन यूज टू बी फाइनेंशियल कैपिटल वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल क्या था लंडन था यस सो यहाँ बिल्कुल सही यूज है इस कैपिटल वर्ल्ड का नेक्स्ट देखते हैं शी लिवस हर कैपिटल द बैंक एंड लिव्स ऑफ द इंटरेस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका जो भी कैपिटल है एंड यहाँ पर कैपिटल मतलब उसकी वेल्थ की बात की जा रही है कि जो भी पैसा जो भी एसेट्स है उसके बैंक में रखे हुए होते हैं एंड जो भी उसका इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट पर अपना जो भी लाइवलीहुड चलाती है लिव्स ऑफ करती है सो so यहाँ पर ये यह भी बिल्कुल सही है कैपिटल मतलब यहाँ पर वेल्थ हो रहा है सो ये सेंटेंस में भी बिल्कुल सही तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया गया है नेक्स्ट देखते हैं मर्डर इज दी ओनली ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर बिल्कुल गलत यूज किया गया है अगर यहाँ पर वर्ड कैपिटल होता तो भी सही होता कैपिटल मतलब आ, हो सकता है कि आ, ऐसा ऐसा कोई क्राइम ऐसा कोई बड़ा क्राइम जिससे आपको डेथ पेनल्टी मिल सके या मिलती हो ऐसे क्राइम को हम कहेंगे कैपिटल क्राइम लेकिन कैपिटलिस्टिक बिल्कुल गलत वर्ड है मतलब यहाँ पर यूज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन एंड टू दैट तो इज ऑप्शन नंबर ई ओनली वन एंड टू सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस सो नेक्स्ट वर्ड इज मॉक एंड मॉक मतलब किसी को कॉपी करना सभी को पता होगा या इमिटेट करना सो so देखिए यहाँ पर क्या सही ऑप्शन हो सकता है सो लेट्स चेक गाइज यहाँ पर एट टाइम्स आई वेंट ऑलमोस्ट मैड कभी कभी मैं कम्प्लीटली uh, मैड हो जाती थी टॉकिंग गिबरिश गिबरिश मतलब यहाँ पर नॉन सेंस कुछ भी बोलना पुलिंग फेसेस फेसेस बनाना एंड सिंगिंग इन मॉक लैटिन लैटिन एक लैंग्वेज होती है सो मॉक लैटिन मतलब यहाँ पर कॉपी करना या किसी चीज को इमिटेट कर देना सो so यहाँ बिल्कुल सही तरीके से यूज किया गया है इस मॉक वर्ड का नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं टुडे आई डिसाइडेड टू मॉक आज मैंने डिसाइड किया क्या टू मॉक यहाँ पर ये टू प्लस वी वन मतलब ये वर्ब की तरह यूज किया गया है यहाँ पर यहाँ पर ये जो मॉक था ये एडजेक्टिव की तरह क्योंकि लैटिन एक लैंग्वेज है मतलब कि ये नाउन है एंड यहाँ पर ये मॉक वर्ड एडजेक्टिव की तरह

ये यूज किया जाता है और नेवी ऑफिसर्स के थ्रू यूज किया जाता है सो तो उसको हम मॉक नहीं कर सकते यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर मॉक करना मतलब होता है किसी को कॉपी करना सो तो यहां पर कॉपी करने की बात नहीं की जा रही है सो तो यहाँ पर ये यूज बिल्कुल गलत किया गया सो तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वन एंड टू दैट इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रो एंड देखिए इस वर्ड का यूज़ कहाँ पर सही तरीके से किया गया है So let's check guys. Out in the bay, a small figure was rowed a rubber dinghy. अब यहाँ पर इस वर्ड ढिंगी की अगर बात करें तो ये एक तरीके की small boat होती है जो recreation के लिए या फिर जो racing के लिए small boat जो open boat होती है उसे हम कहते हैं So यहाँ पर ये जो वर्ड होगा ये बिल्कुल गलत तरीके से uh, use किया गया है So यहाँ पर ये गलत हो जाएगा सेकेंड देखते हैं दे हैड अ रोड एंड शी टॉम्ड आउट ऑफ हाउस दे हैड अ रोड यहाँ पर भी ये बिल्कुल गलत यूज़ किया गया है यहाँ पर इसका मतलब होगा कि उनका जो है एक नॉइजी क्वैरल या झगड़ा हो गया है बहुत बुरी तरीके से इसलिए वो चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली सो so, यहाँ पर भी जो यूज है रो वर्ड का ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है नेक्स्ट देखते हर विला स्टूड इन अ रो ऑफ सिमिलर वंस कि बहुत सारे ऐसे विला मतलब बहुत सारे ऐसे हाउसेस थे उसकी भी उसका भी एक हाउस था सो so, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि रो का मतलब ही होता है कि बहुत सारी चीजें एक लाइन में है स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीजें उसे हम रो कहते हैं या हम रो में खड़े होते हैं या बैठते हैं तो आई होप आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता है सो so यहाँ पर इस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में बिल्कुल गलत तरीके से इस वर्ड का यूज किया गया है एंड थर्ड में बिल्कुल सही है सो so यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ई दैट इज ओनली ट्री आई होप सारी चीजें क्लियर है सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन वर्ड्स या वर्ड्स यूज इन